भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। रोहित शर्मा की नजर क्लीन स्वीप पर। वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर टीम इंडिया को ICC की T20 रैंकिंग में होगा फायदा। सीरीज 3-0 से जीतने पर भारतीय टीम बनेगी दुनिया की नंबर 1 टीम। तीसरे T20 में नहीं खेलेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत। विराट की जगह श्रेयस अय्यर तो वहीं पंत की जगह ईशान किशन को मिलेगा विकेट कीपिंग का मौका। BCCI ने दोनों खिलाड़ियों को दिया है रेस्ट। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी दिया गया रेस्ट। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने KL राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह पर दिया बड़ा बयान। चेतन शर्मा के मुताबिक रोहित की कप्तानी में खेलते हुए KL राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह अगले कप्तान के तौर पर होंगे तैयार। तीनों में से कोई भी भविष्य में संभाल सकता है टीम की कमान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4 सीनियर खिलाड़ी हुए ड्रॉ। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा के अलावा ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा पर भी गिरी गाज। चेतन शर्मा का बयान, 2 टेस्ट मैच के लिए किया गया ड्रॉ। डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करने पर होगी वापसी। रिद्धिमान साहा नहीं खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी। हार्दिक पांड्या के रणजी ना खेलने से जुड़े सवाल पर भड़के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा। चेतन शर्मा के मुताबिक खिलाड़ी चुनने का अधिकार हमारा। हार्दिक IPL की नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बनाए गए हैं। भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। BCCI ने दिया शार्दुल को आराम। लंबे समय से लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे शार्दुल। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टीम में सिलेक्शन से पहले रणजी ट्रॉफी में जमकर गरजा हनुमा विहारी का बल्ला। पहली पारी में हनुमा ने 59 तो दूसरी पारी में जड़ा शानदार शतक। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए हनुमा ने चंडीगढ़ के खिलाफ लगाया शतक। विदर्भ के कप्तान फैज फजल ने रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 302 गेंदों में 27 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 192 रन बनाए। सिर्फ 8 रन से दोहरा शतक बनाने से चूके फैज। ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने अचानक पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ने का लिया फैसला। फॉकनर ने PSL और बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। फॉकनर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी फ्रेंचाइजी उनसे लगातार झूठ बोलता रहा। IPL ऑक्शन में अनसोल्ड रहे ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ने बयां किया अपना दर्द। एडम जंपा इस बात से नाराज हैं कि उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला। जंपा ने IPL ऑक्शन में 2 करोड़ का बेस प्राइस रखा था। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने बेस्ट बल्लेबाजों की तैयार की लिस्ट। एटीट्यूड और टेम्परामेंट के मामले में विराट कोहली को बताया बेस्ट खिलाड़ी। वेड को गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन में 2,40,00,000 रुपए में खरीदा है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।